हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएसपी क्लासेस अगेन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू। कौन से चैप्टर की? ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का हम क्या डाल चुके हैं, वन शॉट तो अपलोड कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं इसके एमसीक्यू, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं हम। यहाँ एक सेकेंड में कलर ले लेती हूँ। हाँ चलो, ये ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, आज MCQ। तो हम यहाँ कितने MCQ करेंगे? हम यहाँ करेंगे 45 MCQ करेंगे और 5 MCQ आपके लिए। 5 क्वेश्चन किसके लिए? आपके लिए, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, सभी के आंसर दे दें। तो देखो, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ चुके हैं आप 2 से 3 बार, चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, स्कूल भी पढ़ाया जा चुका है, वीडियो अपलोड की जा चुकी है, अभी तक आपको चैप्टर याद हो चुका होगा। तो देखो, हम क्या करते हैं, चैप्टर को एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? क्या पूछा है? प्रिज्म कैसे होता है? प्रिज्म ये हमारा क्या होता है? प्रिज्म होता है, एक यहाँ से वाइट किरण आती है और वो क्या कर जाती है, बाहर 7 रंगों में विभक्त होती है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ रहे हैं कि किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, कौन सी रंग की किरण है जो सबसे ज़्यादा झुकती है? पहला लाल रंग की, दूसरा हरे रंग की, तीसरा पीले रंग की, या डी बैंगनी कलर की। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो बैंगनी रंग की जो क्या होती है, किरण होती है, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा झुकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है सॉरी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखो, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर या 2.5 मीटर, तो क्या होती है बताओ? इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर की सामान्य दूरी। सामान्य कोई व्यक्ति होता है, उसकी सामान्य दूरी कितनी होती है देखने की, स्पष्ट देखने की, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुको भाई, कि इसका कलर ये कुछ अब ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, कौन सा भाग होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया। कॉर्निया हमारी क्या होती है, आउटर लेयर होती है, जिसको हम स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। परितारिका का काम क्या होता है, पुतली को साइज को क्या करता है, अरेंज करता है। और पुतली क्या होती है, हमारी आँख में जो ब्लैक कलर का होल होती है, जो प्रकाश को क्या करती है, आने जाने के लिए प्रकाश को कम ज़्यादा करती है। तो दृष्टि पटल पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु कौन सा है भाई? 25 सेंटीमीटर है, बिल्कुल नहीं है। 25 मिलीमीटर है, बिल्कुल नहीं है। 25 मीटर है, बिल्कुल नहीं है। डी अनंत पर। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु मतलब कितना दूर तक हम देख सकते हैं सामान्य नेत्र के लिए, वो क्या है, अनंत। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बिल्कुल आप बता ही दोगे क्वेश्चन देख कर ही। ऑप्शन ए नीला रंग, नहीं। ऑप्शन बी बैंगनी रंग, नहीं। ऑप्शन डी पीला रंग, नहीं। ऑप्शन सी लाल रंग। तो फिफ्थ में क्या होगा, ऑप्शन सी लाल रंग। नेक्स्ट देखो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या प्राप्त करने के लिए? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का, इनमें से किसका उपयोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो हमने जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, जो वर्णक्रम हमने प्राप्त किया था, वो किससे किया था? प्रिज्म से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्रिज्म। नेक्स्ट देखो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में अब हमारा लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, वलयाकार है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ भाई, इसका सही ऑप्शन क्या है, हमारा जो लेंस है वो क्या है, उत्तल लेंस है। दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, जो दूरदृष्टि वाली आँख है वो साफ साफ देख सकती है, पास का या दूर का? दूरदृष्टि की वस्तुएँ, वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को पास देख सकती है, निकट की वस्तुओं को पास देखती है, बड़ी वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं? तो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि में क्या होता है, कि दूरदृष्टि में जो वस्तु वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। नेक्स्ट देखिए, कि आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो आँख का व्यवहार कैसा होता है भाई हमारे, कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। उत्तल लेंस की तरह क्या करती है, सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के व्यवहार में आता है? उत्तल लेंस आता है, उत्तल लेंस आता है या समतल समतल लेंस आता है? तो कौन सा आता है इसमें? अवतल लेंस। के निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार काम में लेते हैं हम? किस लेंस का लेते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में पास का साफ दिखता है या दूर का साफ दिखता है? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? एकत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या परिवर्तक द्वार की भांति? जो आंख की हमारी पुतली होती है वो किसकी तरह कार्य करती है? तो किसकी तरह करती है? हमारे परिवर्ती द्वारक की भांति। द्वारक ही तो होता है जो प्रकाश को क्या करता है? आने जाने देता है। नेक्स्ट देखो, 11 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 12, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश किससे होकर गुजरता है? प्रिज्म से। तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है सबसे कम, सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश प्रकाश का ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसने पूछा कि लाल रंग के प्रकाश का कितना होता है? तो कितना होता है लाल प्रकाश का? सबसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में क्या लगा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? अभी बताया है भैया आपको कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस होता है, दूरदृष्टि में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, पीछे तो पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि तेज प्रकाश में पुतले का आकार कैसा होता है? तो तेज प्रकाश में पुतले का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा या बड़ा? छोटा हो जाएगा। कि तेज प्रकाश आ रहा है तो पुतली क्या होगी? आंखें छोटी हो जाती है। तो प्रकाश कैसा हो जाता है? 14 में छोटा। नेक्स्ट देखो कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के बिंदु के लिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं? अंत बिंदु, पित बिंदु, दूर बिंदु या निकट बिंदु? मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए, बिंदु प्रकाश के लिए क्या होता है? बिल्कुल भी सुग्राही नहीं होता है, तो कौन सा होता है? अंध बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के लिए, हरा रंग के लिए, लाल या पीला? तो इनमें से कौन सा कलर है जिसके लिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अधिकतम होती है। तो लाल रंग के लिए पता है हमें। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? रीजन बताओ भाई। आकाश धुआं युक्त होता है, जलवायु युक्त, जलवाष्प युक्त होता है या धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग की किरणों का परिकर्णन होता है? तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, वर्ण विन्यास, बेजानीनापन या वर्णक्रम? तो इसको क्या बोल सकते हैं बताओ भाई? 18 का आंसर क्या होगा इसमें? हम क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बिल्कुल इजी सर, कि हम जो प्रिज्म क्या करते हैं, प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट निकालते हैं तो उसमें जो हमें वर्णक्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यही पूछा है उसने कि पर्दे पर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है? तो कैसा है? प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? पीला, लाल, नीला या काला? तो उदय और अस्त होते समय में सूर्य कैसा दिखाई देगा? लाल। देखो स्पेक्ट्रम किस स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है? तो लाल का क्या है झुकाव? बैंगनी का सबसे ज्यादा है और लाल का क्या है? सबसे कम है। तो इसमें क्या होगा कि लाल का झुकाव क्या होता है? सबसे कम होता है और बैंगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका द्वारा, पक्षमाभिपेशियों द्वारा, अभिनेत्र लेंस द्वारा या कचाव दर्द द्वारा? तो प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? किसके द्वारा बनता है? लेंस के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान पर सफर करते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है हमें? काला। क्यों देता है काला दिखाई? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल में, वायुमंडल से अगर हम ऊपर जाते तो हमें कलर का क्या नहीं होता? परिकर्णन नहीं होता। तो हमें जो आकाश का रंग है वो कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेदार है। अभिनेत्र लेंस में वक्रताओं में कुछ सीमाओं का, तो लेंस में कौन करती है भाई? पक्षमाभिपेशियां करती है। तो परितारिका तो किसके साइज का करती है? पुतली के लिए करती है। और पक्षमाभि के लिए कौन करता है? अभिनेत्र लेंस के कौन करता है? पक्षमाभि करती है। पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करती है। पुतली के साइज को नियंत्रण परितारिका करती है और अभिनेत्र लेंस के साइज को नियंत्रण कौन करता है? पक्षमाभिपेशियां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आयरस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो क्या पूछा इसने, सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है, नेत्र लेंस में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जब नज़दीक की चीज़ को देखा जाता है, नज़दीक की चीज़ को क्या कर सकते हैं, साफ देख सकते हैं, तो अभिनेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, क्या कर सकते हैं। इसने बोला जब नज़दीक की चीज़ों को तो हम क्या देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, ठीक है, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है उसकी, घट जाती है। नज़दीक की चीज़ों को पास देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, कौन सा दोष हो गया, और उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। निकट दृष्टि दोष हो गया क्या, नज़दीक की पास साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते उस नेत्र में क्या है, निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते, दूर की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, साफ देख सकते हैं, तो उसके लिए दूरदृष्टि होता है या निकट दृष्टि दोष होता है, कौन सा दोष होता है उसके लिए, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूरदृष्टि में निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं। आगे देखो, जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है, वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के बैंगनी रंग को तीव्रता से प्रकर्षित करते हैं, वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को या पीले रंग को या लाल रंग को, कौन से कलर को तेजी से प्रकर्षित करते हैं, तो कौन से रंग को करते हैं, नीले रंग को तेजी से क्या करते हैं, प्रकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, तो इसको क्या कहते हैं भाई, समंजन कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट देखो, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु कितना होता है, 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 3 मीटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, पढ़ चुके हम, पीछे आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, कितने का होता है, 4 मिनट का, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। आगे देखो, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसके उपयोग होता है, चलचित्र में डायग्राम आपको दिया नहीं गया, समंजन में, दृष्टि निबंध में, सुस्पष्ट दृष्टा की अल्पतम दूरी, द्विफोकस लेंस में, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, दृष्टि निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, उत्पन्न होने का कारण क्या है, कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, या नेत्र गोले की लंबाई का घटना, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूरदृष्टि दोष के लिए वक्रता त्रिज्या का घटना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर परिकर्णन करने वाले कणों का साइज काफी बड़ा हो, तो परिकर्णन ज्यादा होगा, श्वेत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, बताओ, क्या पूछा इसने कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण क्या है, आर है, तो निर्गत कोण क्या होगा, आपतन कोण बराबर होता है R से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कौन सा था, 37 देखो, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला कौन सा होता है, अभी बताया आपको, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा पहुंचते हैं, दिक् तंत्रिकाओं द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया के पीछे की संरचना को हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39-40, तारों का टिमटिमाना वायु के किस गुण पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, कि ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है
नहीं पाई जाती है। तो कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती? शंकु कोशिका वहां पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सूर्य का श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों का विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवक्षेपण, विक्षेपण या परिक्षेपण? तो क्या कहते हैं इसे? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? नहीं, इसे विक्षेपण नहीं, इसे परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, 42 में क्या आएगा? सी। नेक्स्ट देखो, नेत्र गोलक का व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या 3 मीटर? तो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आपको ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं, याद रखना कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अपना रेटिना पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पर सात रंग देखे जाते हैं, क्योंकि क्यों देखे जाते हैं भाई सात रंग में? क्योंकि प्रिज्म सात रंगों से क्या निर्मित है? सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, सूर्य श्वेत प्रकाश के प्रकाश में सात रंग होते। तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका? सही हो गया, 45 में। नेक्स्ट देखो, आपको दिख नहीं रही होंगे शायद ये, अब दिख रहे हैं? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर लिख रखा है, रहने दो, आपको नहीं बताने भाई। चलो ठीक है, बच गए आप लोग क्योंकि उसमें आंसर दिए हुए थे, आप क्या ही करोगे बता के। ठीक है, तो हमने क्या देखे आज? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के 45 क्वेश्चन देखे। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में, और आपको आगे कौन सी क्लास के एमसीक्यू करवाने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।